अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैनकेक्स की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त इजी पैनकेक की रेसिपी है। अगर तो आपका केक बनाने का मूड नहीं है बट आप केक जैसी ही इन्जॉयमेंट चाह रहे हैं तो आप पैनकेक्स बना के अपनी इस क्राविंग को पूरा कर सकते हैं। पैनकेक्स बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे उसमें सबसे पहले आपने लेना है एक एग जो कि रूम टेम्परेचर का होगा। एग के बाद आपने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है वो है शुगर का, जो कि आपने लेनी है 1/4 कप शुगर। ग्रैनुलेटेड शुगर है, पिसी हुई है, आप पिसी भी ले सकते हैं, चाहे तो आप मोटी शुगर भी ले सकते हैं, बट ये कि उसको मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी तो बेहतर ये है कि थोड़ी बारीक शुगर हो। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है नमक, बिल्कुल एक पिंच आपने जो है नमक का ऐड करना है। देन आपने इसमें मिल्क ऐड करना है जो कि 1/2 कप है, ये मिल्क भी रूम टेम्परेचर का है। देन हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो होगा ऑयल का। ऑयल हमने इसमें ऐड जो करना है वो मैं आपको बताती चलूँ, वो है 1.5 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है जो कि होगा 1 टीस्पून। मेरे पास टीस्पून हाफ था तो मैंने इसको 2 बार डाल के 1 टीस्पून कंप्लीट कर दिया। अब इस मिक्सचर को आपने विस्को की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आपको हैंड मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। कास्टर शुगर थी बड़ी स्वीट शुगर थी तो इसलिए मिक्स होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट लाइक 1 सेकेंड ही लगे और तमाम इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हो गए। देन आपने इसमें ऐड करना है ऑल पर्पस फ्लोर मैदा, ऐड करना है 1 कप। मेरे पास 1/2 कप की कैलकुलेशन 1/2 कप अवेलेबल था तो मैंने उसे 2 टाइम्स ऐड करके 1 कप पूरा कर दिया है। देन हम इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो होगा हमारा बेकिंग पाउडर का। 1 टीस्पून मैंने लेना है, बिल्कुल लेवल करके आपने डालना है। अब हम मैदे के साथ इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से यकजा कर लेंगे। आपने इसे मिक्स करना है जब तक कि आपके पास इस तरह का स्मूथ टेक्सचर नहीं आ जाता। यहाँ पर आपको एक और एडवाइस देती चलूँ, अगर तो आपको लगे कि जी पैनकेक्स को हमें पैन में डालने में थोड़ा सा थिकनेस महसूस हो रही है या हमें वो ईजिली हमसे नहीं जो है हो रहे कैरी, तो आप इसमें 1 to 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैनकेक के लिए जो यूज़ किया चम्मच उसको मैंने 1/8 लिया है मेजरिंग कप। इसमें जो है पैनकेक्स नॉर्मल साइज़ के बनते हैं, आप चाहें तो यही ले लें या इससे थोड़ा बड़ा स्पून भी ले सकते हैं। पैनकेक्स के ऊपर जब बबल आपके आना स्टार्ट हो जाए और वो बबल्स पकने के बाद जब रुक जाएं तो तब आपने इसको फ्लिप करना है, तब आपका बहुत ही बेहतरीन सा पैनकेक्स का खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाएगा। एक और बात यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि पैनकेक्स बनाते हुए आपने पैन में जो ऑयल यूज़ करना है वो बिल्कुल माइनर सा होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर टिश्यू की मदद से ऑयल लगाया था। ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो पैनकेक की जो लुक है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं आएगी, दिस मीन्स कि वो फ्राई किए हुए पैनकेक्स की लुक आ जाएगी, इस तरह से जो ब्राउन कलर है ड्राई ब्राउन कलर वो नहीं आएगा। इसी मेथड से आप टिश्यू की मदद से ऑयल लगा के पैनकेक्स बनाते रहें। पैनकेक्स को गार्निश करने के लिए मैपल सिरप, हनी, बटर या बच्चों के कोई भी फेवरेट स्प्रिंकल से आप इनको जो है डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।